नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 8 सितंबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। दौसा जिले से गुजर रहे जयपुर आगरा नेशनल हाईवे 21 पर भीषण सड़क हादसे में 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 12 यात्री घायल हो गए। 7 यात्री मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के रहने वाले हैं, जो बांदीकुई रेलवे स्टेशन से मिनी बस में सवार होकर मेहंदीपुर बालाजी दर्शनों के लिए जा रहे थे। इस दौरान हाईवे पर लंगड़ा बालाजी के पास अज्ञात वाहन ने मिनी बस को टक्कर मार दी। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने बताया कि बांदीकुई स्टेशन से मिनी बस में सवार होकर लोग मेहंदीपुर बालाजी जा रहे थे। इस दौरान हाईवे पर सवारी उतारने के दौरान मिनी बस चालक ने बस को हाईवे पर रोका, तो पीछे से आ रहे अज्ञात वाहन की टक्कर से बस पलटी खा गई और मौके पर कोहराम मच गया। हादसे में 38 वर्षीय पवन निवासी आगरा वे 23 वर्षीय ममता निवासी टीकमगढ़ की मौत हो गई। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों पार्टियों के दिग्गज नेताओं की नजर इस बार सबसे सेफ सीटों पर है, यानी ऐसी सीट जहां से जीतने की संभावनाएं ज्यादा हों। कुछ नेताओं की सीटें जहां पार्टियां खुद बदलना चाहती हैं, वहीं कुछ दिग्गज जातीय समीकरण बैठा कर नई सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इनमें राजेंद्र राठौर, डॉक्टर सतीश पूनिया, डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी, प्रभुलाल सैनी, नरपत सिंह राजवी से लेकर लालचंद कटारिया और डॉक्टर महेश जोशी, जाहिदा खान जैसे कई नेताओं की सीट बदलने की चर्चा है। इसके अलावा 3 सांसद भी विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। झालावाड़ जिले के सदर थाना क्षेत्र के नांदियाखेड़ी गांव में 6 साल की मासूम बच्ची से रेप के बाद उसकी हत्या करने के आरोपी लालचंद बैरागी को पोक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पहले 7 मार्च 2022 को कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा से दंडित किया था। इसके बाद फाइल को कोर्ट ने हाईकोर्ट भेज दिया था। मामले में हाईकोर्ट ने आदेश दिए कि आरोपी के सामने शेष रहे 15 गवाहों के बयान दोबारा करवा कर निर्णय किया जाए। इसके बाद कोर्ट ने दोबारा मामले की सुनवाई शुरू की और इस मामले में दोषी लालचंद बैरागी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। लोक अभियोजक रामहितार गुर्जर ने बताया कि नांदियाखेड़ी गांव में 6 वर्षीय बालिका की 11 मार्च 2020 को MP सोयत निवासी लालचंद बैरागी ने रेप के बाद हत्या कर दी थी। जोधपुर जिले में लोक देवता बाबा रामदेव के 2 श्रद्धालुओं की सड़क हादसे में मौत हो गई। राजीव गांधी नगर थाना क्षेत्र में रामदेवरा से जोधपुर आ रही पिकअप अरना झरना के पास दूसरे पिकअप से टकरा गई। पिकअप की ट्रॉली में सो रहे जालोर भादरा जून के रेवड़ा कला निवासी रमेश और पाली के खेड़ा की ढाणी निवासी तेजाराम पटेल की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। इस हादसे में 5 अन्य लोग घायल भी हुए हैं। भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा के उदयपुर शहर में दाखिल होने से पहले वर्तमान और पूर्व पार्षदों की बुलाई गई बैठक अपेक्षा के विपरीत उस वक्त हंगामे में तब्दील हो गई, जब बैठक में शामिल पूर्व महिला पार्षदों ने जिला स्तरीय बड़े नेताओं के सामने चुनावी दंगल में विधायक की दावेदारी पेश कर डाली। इतना ही नहीं, पार्टी से पूर्व पार्षद रहे नेताओं ने कहा कि अब चुनाव सिर पर है, इसीलिए उन्हें याद किया जा रहा है। बीते 4 साल से संगठनों की बैठक में उन्हें बुलावा क्यों नहीं भेजा गया? मामला पटेल सर्किल स्थित शहर भाजपा कार्यालय का है। नगर परिषद में सभापति रही किरण माहेश्वरी से लेकर युधिष्ठर कुमावत, रविंद्र श्रीमाली, पूर्व मेयर रजनी डांगी, पूर्व मेयर चंद्र सिंह कोठारी को बोर्ड में पार्षद रही महिला प्रतिनिधियों ने यहां शहर जिला प्रभारी बंशीलाल खटीक, जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली, महामंत्री गजपाल सिंह एवं अन्य नेताओं की मौजूदगी में चल रही बैठक में ये कहते हुए हंगामा किया कि शहर विधानसभा से भेजे गए 10 दावेदार की सूची में उनका नाम क्यों शामिल नहीं किया गया। पाली जिले में रामदेवरा जा रहे यात्रियों के साथ हादसे बढ़ते जा रहे हैं। देर रात हाईवे पर भंडारे में परिवार के साथ जा रही एक महिला रामदेवरा यात्रियों को रोड क्रॉस करते समय तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। परिजनों की आंखों के सामने चंद मिनटों में महिला की मौत हो गई। दरअसल हादसा पाली शहर के सदर थाना क्षेत्र के पनिहारी के निकट हुआ। सड़क किनारे बने भंडारे में जाने के लिए महिला अपने पति के साथ रोड क्रॉस कर रही थी। इस दौरान तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने उसे चपेट में ले लिया। हादसे में MP के पावटी मंदसौर निवासी 44 साल की सीता देवी, पत्नी रमेश मेघवाल की
पति की आंखों के सामने दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस बार भारतीय रेलवे के उपक्रम इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी IRCTC की ओर से ट्रेन के बजाय हवाई यात्रा का खास पैकेज तैयार किया गया है। इस बार विदेश की यात्रा करवाई जाएगी। पिछले साल इस पैकेज के प्रति रुझान को देखते हुए इस साल भी थाईलैंड का पैकेज बनाया गया है, जिसके तहत बुकिंग भी शुरू कर दी गई है। IRCTC के संयुक्त महाप्रबंधक पर्यटन योगेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि यह थाईलैंड टूर जयपुर से संचालित किया जा रहा है। 5 दिन के इस पैकेज में यात्री को घूमने तथा रहने की भी सुविधा दी जाएगी। इसके लिए 54,860 रुपये प्रति व्यक्ति चुकाने होंगे। यात्रा 6 अक्टूबर से जयपुर से शुरू होगी। पैकेज में जयपुर से थाईलैंड आने जाने का हवाई किराया, 3-स्टार श्रेणी होटल में रुकने की व्यवस्था, रोजाना ब्रेकफास्ट, लंच व डिनर, AC डिलक्स बसों से मुख्य स्थलों का भ्रमण एवं प्रवेश शुल्क तथा टूर गाइड की भी सुविधा इसी पैकेज में दी जाएगी। नागौर जिले के श्री बालाजी थाने में सरकारी स्कूल के शिक्षक के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। नाबालिग के पिता ने दी रिपोर्ट में बताया कि उनकी पुत्री पिछले 4 से 5 दिनों से सहमी व डरी हुई थी। पूछा तो रोते रोते हुए बताया कि स्कूल में कार्यरत शिक्षक राजेंद्र ने पुत्री से इंस्टाग्राम पर जबरदस्ती अश्लील चैटिंग शुरू कर दी। फिर एक दिन स्कूल में मध्यांतर की छुट्टी में आरोपी शिक्षक ने पुत्री से पानी मंगवाया और अश्लील हरकतें करने लगा। विरोध किया तो धमकाते हुए छेड़छाड़ की। आरोपी शिक्षक लगातार अश्लील वीडियो व फोटो वायरल करने की धमकी देकर नाबालिग को मानसिक परेशान करता रहा। नाबालिग छात्रा व आरोपी शिक्षक की चैट व अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। पुलिस फोटो वीडियो वायरल करने वाले लोगों की भी पहचान में जुटी है। बूंदी के नैनवा में DSP ऑफिस से थोड़ी दूर व तहसील कार्यालय के सामने रोडवेज बस में 2 लाख रुपयों की चोरी की वारदात से हड़कंप मच गया। बुजुर्ग जमीन बेचने के बाद रजिस्ट्री करवाकर रुपयों के साथ घर लौट रहा था, तभी अज्ञात चोर ने वारदात को अंजाम दिया। घटना का पता उस समय लगा जब चलती बस से एक लड़का जल्दबाजी में उतरकर भागने लगा। इस पर बुजुर्ग ने बैग देखा तो रुपए गायब मिले। पीड़ित रामस्वरूप सैनी निवासी माटुंदा रोड ने नैनवा थाने में शिकायत दी कि एक जमीन के सौदे की रजिस्ट्री करवाने के बाद मिले 2 लाख रुपयों को वह बैग में रखकर बूंदी के लिए रोडवेज बस से रवाना हुआ। इसी बीच वह लड़का चलती बस से कूद गया और भागने लगा। बुजुर्ग को शंका हुई और उन्होंने बैग को देखा तो रुपए गायब थे। पुलिस बस स्टैंड सहित आसपास लगे CCTV कैमरों के फुटेज खंगाल रही है। जयपुर में साल भर पहले दर्ज सास बहू से रेप का मामला झूठा निकला है। पुलिस जांच में आरोपी मेडिकल संचालक के बेकसूर होने पर कोर्ट ने भी मोहर लगा दी है। उधार दिए 25 लाख रुपए हड़पने के लिए ज्वेलर सास बहू ने पूरी साजिश रची थी। उधार दिए रुपए मांगने पर मेडिकल संचालक को तांत्रिक बता भूत प्रेत का डर दिखाकर रेप के मामले में फंसाया गया। मामले के अनुसार सितंबर 2022 को भांकरोटा निवासी ज्वेलर परिवार की सास बहू ने भांकरोटा थाने में रेप का मामला दर्ज करवाया था। आरोप लगाया कि मेडिकल संचालक जयेंद्र राज पुरोहित ने भूत प्रेत के साए और परिवार के सदस्य की मौत का डर दिखाकर सास बहू को पूजा में न्यूड बिठाकर अश्लील फोटो वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर दोनों महिलाओं से 3 साल तक रेप करता रहा। जांच में सामने आया कि ज्वेलर सास बहू ने जयेंद्र से 25 लाख रुपए उधार लिए थे, रुपए नहीं चुकाने पड़े, इसीलिए दोनों ने मिलकर रेप केस में फंसा दिया। लेकिन पुलिस जांच में साजिश का खुलासा हो गया। सीकर जिले में रात को घर से बाहर टॉयलेट करने आई महिला से लूट का मामला सामने आया है। नकाबपोश बदमाश महिला को बंधक बनाकर गले में पहना सोने का मंगलसूत्र, टॉप्स व पैरों से पायजेब छीनकर फरार हो गए। घटना सीकर के रानोली थाना क्षेत्र की है। 22 वर्षीय किरण देवी निवासी टिल्लियावाली ढाणी रानोली ने बताया कि वह रात को टॉयलेट के लिए घर से बाहर आई थी। इस दौरान अचानक आए 3 नकाबपोश बदमाशों ने उसका मुंह बंद कर हाथ पैर बांध दिए, जिसके बाद बदमाश महिला के गले से पहना सोने का मंगलसूत्र, कानों में पहने सोने के टॉप्स व पैरों में पहनी चांदी के पायजेब लूटकर भाग गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।